नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ना लोगों को अल्लाह की जानिब दावत दी। नबी पाक अलैहि सलाम का जो इनकलाब है ना, वो नजरियाती और फिक्री इनकलाब है। ज़ेहन साजी करना किसी की, उस शख्स की ज़ेहनी सतह इस तरह की बना देना कि वो खालिसतन अपने आप को अपने अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दे। ये जितने हमारे सूफिया थे ना, बुजुर्गान दीन थे, जिनके हम उर्स मनाते हैं, ये हमें नजरियाती बनाते थे। जो फिक्री कमजोरियां हमारी तबीयतों में पैदा होती थीं, उन कमजोरियों को ये दूर करते थे और हमें साफ सुथरे नजरियात सिर्फ तकरीर के तौर पर ही नहीं, अपने अमल के साथ भी हमें तबलीग करते थे और हमें ये फिक्री बनाते थे नजरियाती। एक नजरिया ये है दुनिया के अंदर पाया जाता कि जनाब खा लो पी लो मौज कर लो, थोड़ी सी जिंदगी है और मर जाना है, पता नहीं क्या होगा, जल्दी से जो तुम्हारे पास है ना इसको इस्तेमाल करो, अच्छे अच्छे खाने खाओ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में बैठो, अच्छे अच्छे बंगलों में वक्त। ये भी एक नजरिया है। एक नजरिया ये है और इस पर बहुत सारे लोग हैं, पहले इतनी गाड़ियां नहीं रोड पे होती थी, अब ये नजरिया फरोग पाया है तो गाड़ियां ही गाड़ियां हो गई। और इस नजरिए की तेजी का ये आलम है कि पुरानी गाड़ियां कम हैं। एक तो है ना जरूरत के लिए गाड़ी हो, वो तो मना नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि पुरानी चीजें कम हैं, नई ज्यादा हैं। क्यों? इसलिए कि वो नजरिया है ना, खाओ पियो मौज करो। आप ये देखें कि पुराना मोबाइल आपको मिल जाएगा, जो नया आता है वो शार्ट हो जाता है। चाहिए तो ये ना कि गुर्बत है जी, परेशानी है, मुल्क के अंदर आजमाइश है, लेकिन नया क्यों शार्ट हो जाता है? कि शौक है, खाओ पियो मौज करो, नई से नई चीज। जरी जमीनें तेजी से खत्म हो रही हैं, सोसाइटियां बन रही हैं, इसलिए कि बंगलों में रहने का शौक है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने का शौक है, मिजाज बन गया। ये एक नजरिया है। एक नजरिया क्या है? एक नजरिया वो है जो रसूल करीम ने अता फरमाया, और वही नजरिया फिर हमारे बुजुर्गान दीन ने सूफिया ने अमलन हमारे सामने रखा। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया ये है कि तुम दुनिया में मुसाफिर बन के आए हो, तुमने यहां वक्त मुसाफिरों की तरह गुजारना है। कुन फि दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिर सभी लो कमाकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुसाफिर और राहगीर की तरह तुमने वक्त गुजारना है। तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, जायज पैसों की हों तो जायज हैं, हराम नहीं, लेकिन हुजूर की पसंद क्या है? पसंद क्या है? एक होता है किसी चीज का जायज होना और एक होता है अल्लाह रसूल की पसंद होना। इस तरह तलाक देना जायज तो है पर अल्लाह रसूल को पसंद नहीं। हर जायज काम भी पसंदीदा नहीं होता। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जायज हैं, आपके पास जायज पैसे हैं, बनाएं, लेकिन पसंद क्या है? कि एक सहाबी ने बहुत ऊंचा मकान बना लिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजरे, फरमाया किसका घर है? फलां बिन फलां का। हुजूर नाराज हो गए, चेहरे पर नाराजगी आई, लोगों ने उसको कहा आज हुजूर आए थे, तेरा मकान पसंद नहीं आया। वो चाहते तो जाके पूछते, अगर मगर करते, कोई बात करते, हुजूर क्या दीन में इसकी पाबंदी है, क्या इसकी हुरमत है, क्या नहीं बनाना चाहिए। उन्हें पता चला ना हुजूर को पसंद नहीं, ते वो जन्नत मेरे किस कार्य जिथे यार नजर ना हो। और मौलाना हसन रजा फरमाने लगे, रंगे चमन पसंद ना फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। कहा हुजूर को पसंद नहीं आया, कई पकड़ी कुदाल पकड़ा, छत पे चढ़े, सारा ही मकान गिरा दिया, सारा ही गिरा दिया, सारा ही। और आके अर्ज की, यार सुल्ला जो आपको पसंद नहीं था ना, मैंने जमीन से खत्म ही कर दिया। हमें हुजूर ने फरमाया कि तुमने ना अल्लाह से जुड़ के रहना है, तुमने नजरियाती बनना है। दौलतों का चक्कर, ये माल, ये दुनिया, ये भागना, ये दौड़ना, सारे रिश्ते ही लालच के, सारे ताल्लुकात ही मुफादात के, सारा आना जाना ही दुनियादारी के लिए। बाज़ोकात इल्ला माशाल्लाह खालिस दीनदार लोगों का काम भी दुनियादारी का, उनका उठना
बैठना भी दुनियादारी का, वो खास निंदाहियत जो हुजूर ने पैदा की, खास अपने आप को अल्लाह से जोड़ना, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। हमारा ना गैबी ताकतों पर खास यकीन है कि अल्लाह रसूल की जो गैबी ताकतें वो हमारी मददगार होती। अब हम तेजी से किस तरफ बढ़ रहे हैं, अब हमारा भी दौलत पर, ताल्लुकात पर, हमसे को पूछता है फलाना मसला कैसे हल करना है, तो हम कहते हैं बड़े ताल्लुकात है, मैंने एक फोन करना है काम हो जाना। फलाने को कहना है भाई, वो तो इकबाल कहते हैं कि काफिर है कि शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही, वो तो बगैर तलवारों को भी मैदान में उतरता है क्योंकि मोमिन है। आप देखिए ना, ये नजरिया है बदर के अंदर, 1,000 का लश्कर लेके काफिर आ गए, एक एक बंदे के पास तीन तीन किस्म का असलहा, तलवार भी है, नेजा भी है, तीर भी है, सारा कुछ है, और उनका उठना बैठना और खाना पीना इस किस्म का है कि वो एक ऊंट जिबा करते, उसका गोश्त बनाते, माजल्ला शराब कबाब होती उसे भूनते और खाते, ये उनका नजरिया। इधर क्या है, 6 जिरहे, 8 तलवारें, 1 सवारी, 3-3 सवार। रात किस तरह गुजरी के हुजूर ने सारी रात मुसल्ले पे गुजार दी, सारी रात रो के अल्लाह को मनाया। सुबह मैदान में लोग निकले, एक तरफ तलवारें लड़ रही थी, नेजे लड़ रहे थे, तीर लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ नजरिया लड़ रहा था। ये मुसलमान है जिनको रब करीम ने फरमाया भला का दिला सारा को अल्लाह बदरीन बान तुम अजिल्ला, तुम तो कमजोर थे बदर में, वो तो रब ने तुम्हारी मदद की। अब नजरिया जीत गया और तलवारें हार गई, नजरिया जीत गया और नेजे हार गए, नजरिया जीत गया और जो तीर थे वो हार गए, दुनियावी तौर पर जो चीजें थी वो हार गई। हमें ना हमारे सूफिया ने नजरियाती बनाया, नजरियाती मैं क्या करूं। अब सूफिया के आस्थानों पर लोगों ने टाइम रखा हुआ है कि सवेरे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक तावीज तुम्हें मिलेंगे, और सबसे पहले आने वाले को इल्ला माशाल्लाह वो सजादा नशीन बताएगा कि तेनू किसे कुछ कीता है। वो आपने तो पक्का करना था, आपने तो अल्लाह की जात पर भरोसा पक्का करना था, और आप उनको कच्चा कर रहे हैं। आप देखे ना, सूफी की सिर्फ ये ड्यूटी नहीं कि वो बंदा बे औलाद आया है तो उसको वो दुआ करे और वो साहिब औलाद हो जाए। ये देखे मैं क्या कह रहा हूं, इधर देखो मेरी तरफ। सूफी की सिर्फ ये ड्यूटी नहीं, ये काम भी वो करेगा कि बंदा परेशान आया तो दुआ करे ताकि उसके दिल को अल्लाह सुकून दे दे, लेकिन सूफी की असल ड्यूटी क्या है? आप सूफिया की किताबें पढ़े, अहले तरीकत की असल जिम्मेदारी ये नहीं है कि बे औलाद आया तो दुआ करके साहिब औलाद कर दे, और कोई बंदा कारोबार नहीं है तो उन्होंने तावीज दिया तो 4 कारखाने बन गए, बल्कि सूफी की तो असल ड्यूटी ये थी कि कोई बे औलाद आया ना और बेचैन आया है तो उसे कह दें कि मियां अगर रब राजी है ना कि तेरे घर में औलाद ना हो तो तू भी रब की रजा पे राजी हो जा। वो उसे इत्मीनान कल्बी दें, उसे अल्लाह की रजा पर जीने का सलीका दें। एक बंदा आया, उसने आके कहा मैं गरीब हूं, मजबूर हूं, तंगदस्त हूं, शह कोई नहीं घर में, कल से खाना नहीं खाया, तो सूफी उसे ये नहीं कहता कि ये तवीज ले जा और देख कैसे तेरा कारोबार चलता है, बल्कि दरवेश तो उसे कहता तुझे मुबारक हो, अगर तू एक दिन रोटी खा के एक दिन फाका करता है फिर तो मदीने वाले महबूब के तरीके पे आ गया है, तो फिर तो तू वो इकबाल कहते हैं वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार, वो जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, तेरा तो मरने को जी चाहे कि इनाम आगे मिले। सूफिया तो बंदे को नजरियाती बनाते, वो तो जहन देते हैं कि सारा कुछ अल्लाह के हवाले करना है, बजाय उसके कि कमजोरियां आ जाए, बजाय इसके कि और ज्यादा इंसान मुशक्कत का शिकार हो जाए। सूफिया तो शाहबुद्दीन गौरी तो सोए हुए थे आराम से, शाहबुद्दीन गौरी को जानते हो? चलो ना ही कर दो ताकि मैं तारुफ करा दूं। जानते हैं दरबार शरीफ देखा उनका, उन्होंने कुछ ज्यादा नशीन ही नहीं, कोर्स होता तो तुम भी तक लेंदे, ये सुहावा जाओ ना सुहावा तो 3 किलोमीटर अंदर जाना, वहां हजरत शाहबुद्दीन गौरी की कब्र है, याद रह जाएगी बात, सुहावा का पता है, ऐसे ऐसे तो करो, ये ऐसे ऐसे करो,
ये पिंडी से थोड़ा पीछे ना सुहावा आता है, मैं मेरा शौक है कि आप लोग वहां जाएं। आपको पता चले कि दरबार सिर्फ दरबार सूफिया ही नहीं बनाते, ये उसका दरबार बनवाया किसने? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने। और उन्होंने मिसाइल का नाम भी गौरी उन्हीं के नाम पे रखा है। बनाया एटमी साइंसदान ने, बनाया एक मुजाहिद का दरबार, लेकिन दरबार पे लोहे मजार पे पहला जुमला ये लिखा है कि ये उस शख्स का दरबार है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मंजूर नजर है। ख्वाजा साहब ने आके कहा साहब ने शहाबुद्दीन गौरी से कि आके हिंदुस्तान पे हमला कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। वो लोग असबाक पढ़ा रहे हैं जिहाद के, लोगों को कह रहे हैं अल्लाह मददगार है निकलो। तो मेरे अजीजो सूफिया सबक देते हैं सूफिया। लेकिन एक शेर बड़ा मैं तो रो पड़ा जब मैं पहली दफा गया, फिर तो कई दफा गया। शहाबुद्दीन गौरी की कब्र पे जो एक शेर लिखा है ना, वो बड़ा तल्ख है और वो हमारा अलमिया है, क्योंकि हम जिंदों की कदर करने वाला मिजाज नहीं रखते। जिंदों में हमें कमजोरियां नजर आने लग जाती हैं, खामियां। और हमारे दौर में तो खूबी सिर्फ उस बंदे में है जो हमारी बात माने, जो नाना माने। मैं अपने बारे में दोस्तों से कई दफा कहता हूं, मैं कहता हूं जिसको टाइम दे दूं उसके लिए दरवेश हूं, और जिसको ना दूं उसके लिए मुतकब्बिर हूं। अल्लाह माफ करो, इतनी सी बात है। जितनी बात आप मानते जाए उतने आप ठीक हैं, जहां आप अड़ जाए वहां आप, या कोई सी मजबूरी का इजहार करें तो फिर आप ठीक। ये हमारा मिजाज है, इस तरह का रवैया हो जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की कब्र पे क्या लिखा है? अल्लाह अकबर, उनके लोहे मजार पे लिखा है, अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में। ओए होए, अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में, वो मर्दे दरवेश दफन है इस मट्टी के ढेर में। भुला दिया लोगों ने अपने भी जिसको भूल गए। जहां अब कोई बुलबुल नहीं आती गाना गाए, कोई वहां अब परवाना नहीं आता जो जहां के जले, कोई नहीं आता। अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर। मेरे अजीजो सूफिया सबक देते अल्लाह से जुड़ने का। आप देखो ना, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, सफर से वापस तशरीफ ला रहे हैं, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान भी मौजूद थे। तो करीम ने इस तरह किया कि अपनी तलवार मुबारक दरख्त की टहनी से लटका दी। सहाबा थोड़ा अदबन साइडों पे होके आराम फरमा हो गए, हुजूर भी लेट गए। तलवार मुबारक दरख्त की टहनी से लटक रही है, एक शख्स आ गया, उसने आके ना हुजूर की तलवार को उतारा और तलवार हुजूर पर उसने तान दी। अब मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बात आसान है, लेकिन अचानक ना आप अकेले हैं और एक बंदा आके पिस्टल यहां रख दे, नहीं चले इससे भी आसान करते हैं, छत पे कभी रात को बिल्ली भी हो ना, और सिर्फ कमरे में कोई बच्चा कोई उठा के कह देना पता नहीं छत पे केड़ा है, तो फिर वो ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कई दफा नंबर बंदा मिलाना चाहता है पर नंबर भूल जाते हैं, समझ नहीं आती कि मतलब कौन सा डायल करना है, किसको किस वक्त मिलाना है। ये एक चीज है ना जी, चोर आ गया, खौफदारी होता है, बंदूक और पिस्टल और ये मेरा मतलब है, खौफ रखती है चीजें। अब आप बात को समझे कि नजरिया नजरिया होता है। एक बंदे को डॉक्टर साहब ने कह दिया कि जनाब तू ना 15 दिन महीने का मेहमान है, मेरी रिपोर्टें कहती हैं तू मर जाएगा। एक गैर नजरियाती बंदा है वो बात सुन के मर जाता है, और एक नजरिए वाला है वो कहता डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं अपने इल्म के मुताबिक कह रहे हैं, होना तो वो है जो मेरा रब चाहेगा। तो ये तो बड़े साल भी जिंदा रह सकता है निकालने का वक्त, क्योंकि नजरिए जिया करते, नजरिए जिया करते। तलवार उसने हुजूर पे तान ली, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मुकद्दस आंखें खोली। मैंने कहा कि अचानक हम पर को पिस्टल रख देना। वो मेरे साथ कई दफा ये भी होता है कि बहुत रात को कभी सफर पे, अब तो खैर मैप की आसानी हो गई, कुछ साल पहले ना कभी देर से कहीं रात को पहुंचते थे ना, तो किसी से एड्रेस पूछने को आवाज लगाते थे तो बंदा भाग जाता था, भैया अंधेरे में एड्रेस पूछ रहे हैं पता नहीं क्या मामला है, लोग दौड़ जाते थे, कहते थे ये पता नहीं कौन लोग हैं गाड़ी पे और मेरा मतलब है खड़ा कर रहे हैं। खौफ इख्तारी होता था और माहौल भी इस तरह का है। तलवार उसने हुजूर पे तानी, आप तवज्जो करेंगे, महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली,
उसके लफ्ज कितने सख्त हैं, कहता है हुजूर आपको मुझसे कौन बचाएगा, करीब से अभी भी कोई नहीं और आपके पास असला भी कोई नहीं, आप लेटे हुए हैं, अब एक सेकंड में अगर तलवार चले तो माजल्ला कुछ का कुछ हो सकता है, कौन बचाएगा। ये नजरिया है, महबूब ना लेटे हैं, कोई बेचैनी का इजहार नहीं किया बल्कि हुजूर मुस्कुराए, ये कमाल, ये नजरियाती हो तो फिर आप मुस्कुराते हैं, पर दुश्मन तड़ी लगाए तो आप हंसते हैं, आप फरमाते हैं तू मेरा क्या कर सकता है, मैं कुल्ला वारस हूं, मैं तो अल्लाह रसूल वाला हूं। हुजूर मुस्कुराए, कौन बचाएगा, तो मुस्कुरा के धीमे लहजे में, कोई जज्बाती नहीं, धीमे लहजे में हुजूर ने फरमाया क्या कहा, कौन बचाएगा, फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। अब इस लफ्ज में ताकत है, वो दरवेश ने कहा था कि जो बंदा तुमसे कहे ना कि मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उसे डरा करो, उसने सबसे बड़ी कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। और ये जो लफ्ज अल्लाह है ना, इसमें तासीर ही बड़ी है। अबू अली सीना बहुत बड़े साइंसदान थे, हजरत अबुल हसन खरकानी की महफिल में आके बैठ गए तो शेख अपने मुरीदों को अल्लाह अल्लाह बता रहे थे, अल्लाह अल्लाह सिखाई जा रही थी। मैं कुछ अरसा पहले एक बुजुर्ग की तकरीर सुन रहा था तो वो कह रहे थे अब अल्लाह अल्लाह से निकल के ना खानकाहों से तो जहाद करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा बुजुर्गों पहले वो खानकाह तो बताएं जहां अल्लाह अल्लाह हो रही है, अब तो सियासत ही हो रही है इल्ला माशाल्लाह जहां भी हो रही है, हो सकता है कुछ जगह हो, वरना वो मुरीदों के बीच बैठ के जिक्र कराना, मुराकबा कराना, वज़ाइफ बताना, उनके असबाक बदलना, वो कहां रह गया मामला, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन। हजरत अबुल हसन मुरीदों को अल्लाह अल्लाह बता रहे थे तो अबू अली सीना भी बैठा था तो शेख ने फरमाया भी अल्लाह अल्लाह करोगे तो दिल नरम हो जाएगा। तो साइंसदान था ना, अक्लमंद था, तो कहने लगा देखो मौलवी जो मर्जी बता देते हैं लोगों, जाते खुदा में तो तासीर हुई, अब नामे खुदा में माजल्ला क्या तासीर है, एक है अल्लाह की जात, आपकी समझ में बात आ रही है मेरी, वो अपनी अकल के जोर पर इतराज कायम करता है, माजल्ला कहता है, एक है जाते खुदा, अल्लाह तो सारा कुछ कर सकता है, और एक है यहां लफ्ज अल्लाह लिख दिया जाए, ये तो लफ्ज अल्लाह है ना, ये तो इसमें अल्लाह है, जाते अल्लाह तो नहीं। तो वो कहने लगा जाते खुदा में तो तासीर हुई तो ये नामे खुदा में, मेरी बात की समझ आ रही, फिर गौर करें। उसने इतराज कायम किया, कहने लगा मौलवी कह रहा अल्लाह अल्लाह के लफ्ज से दिल नरम होगा, कहना चाहिए अल्लाह चाहेगा तो तुम्हारा दिल नरम होगा, लफ्ज़े खुदा। जब उसने ये बात कही ना, तवज्जो है मेरी बात पर, तो हजरत भी बड़े इल्म हिकमत वाले थे, फौरन फरमाने लगे, कहने लगे अबू अली सीना तू भी गधा ही है, अब इतने बड़े साइंसदान को इतने लोगों के बीच गधा कह दिया, उसका तो रंग बदल गया, आंखें सुर्ख हो गई, हाथ कांपने लगे, मुझे कह दिया गधा, जब चंद मिनटों में उसकी कैफियत बदल गई तो हजरत मुस्कुराए, फरमाने लगे अबू अली सीना गधे के नाम में इतनी तासीर है, तेरा रंग बदल गया, बता अल्लाह के नाम में कितनी तासीर है। आप सुनेंगे अजीज भाई, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना जब उससे कहा ना कि मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा, तो बड़ी तासीर है इस लफ्ज में, अल्लाह बचाएगा, बस सरकार के जुबान नूर से जुमले निकले तो उस बंदे का वजूद कांपा, तलवार हाथों से गिरी, हुजूर ने उठा ली, फरमा ले भाई मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया है, अब तू बता ना तुझे कौन बचाएगा। तो देखिए उसने क्या कहा, कहने लगा ए महबूब करीम अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है आप बड़ी माफ करने वाले, आप बड़ा ही दरगुजर फरमाते हैं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू तो पहले बड़ी डींगे मारता था, बड़ी बातें करता था, अब कहता है माफ कर दूं, क्या कहा तूने या रसूलल्लाह आप बड़े माफ करने वाले हैं, तो महबूब ने फरमाया ठीक हो गया जा पर मैंने माफ किया। तो नजरियाती बने, चीजों को ना अल्लाह रसूल के सुपुर्द करें। ये जो हम देखें, एक तो दुनिया में असबाब इख्तियार जरूर करें पर भरोसा असबाब पे नहीं, भरोसा मुसब्बिबुल असबाब। दूसरी बात यह कि हमारे सूफिया ना जंगलों में भी वक्त गुजार लेते थे, पुराने जितने आस्ताने आपको मिलेंगे ना, जितने उनके अभी तक रोड पक्के नहीं हुए, सदियां गुजर गई, कैसे गए वहां लोग, सोशल मीडिया पे देख के गए बुजुर्गों को, उनकी तस्वीरें मेरे ख्याल है बहुत बड़ी बड़ी लगी होंगी पोस्टरों पे और खंभों पे लटकी होंगी, ये देख के चले गए वो लोग,
उनकी अल्लाह ने कशिश रखी थी दिलों में, उन्होंने कोई बड़े बड़े महल्लात नहीं बनाए। वो तो बाद में फिर शहजादगान का ख्याल आया कि अब्बा जी पता नहीं यहाँ क्यों रहते थे, हमें तो कहीं और कोठी बनानी चाहिए। वो फिर कहीं दूर निकल गए, वरना सूफिया वहीं बैठ के जब उनके मुरीद देखते थे ना कि हमारा शेख यहाँ कच्चे मकान में रहता है, सादे कुल्ली में वक्त गुजारता है, तो फिर वो भी वहां बैठ के अल्लाह अल्लाह करते। अब आप मैं बड़े दर्द से कहता हूं, अब आस्थानों पे सलूट तो रह गया है, कोई दरबार पे सलाम करने तो आता है, लेकिन वहां जिस तरतीब से लोग हर वक्त बैठ के रब रब करते थे वो चीज नहीं रही। क्यों? इसलिए कि जिन्होंने मीरे मजलस बनना था वही मौजूद नहीं रहे। अजीज दोस्त, हमारे बुजुर्गों ने ना सबक पढ़ाया लोगों को कि यहां तुम बेशक सादा लिबास भी पहन लो, ऊन के कपड़े भी पहन लो, यहां तुम बड़े सादे भी वक्त गुजार लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने जन्नत में बड़ी नेमतें तैयार की। क्योंकि पता था कि आगे बड़ा कुछ है, नजरिया था, तो फिर यहां लंबे चौड़े मकान बनाना चक्रों में। देखे ना हजरत उमर फारूक, 24 लाख मुरब्बा मील पे बंदा करे ना हुकूमत, तो कोई ना कोई प्लाट उसका अपना भी निकल ही आता है। 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करे ना तो भैया यहाँ तो बड़े बड़े एजाजी प्लाट भी लोगों को मिल जाते हैं, कहते हैं ये साफी कॉलोनी, ये वापडा कॉलोनी है कि नहीं, ये जनाब फलाने फलाने लोग जो फलाने जगह पे इम्प्लायर है उनके लिए फलाने के लिए बनते हैं कि नहीं बनते, ये फलानों के लिए प्लाट निकल ही आते हैं ना मेरे भाई। आपके यहाँ जो आदमी रिटायर हो जाता है ना वजीर आजम, वो 20 दिन 40 दिन भी रहे तो उसको भी सारी जिंदगी तनख्वाह मिलती है, सहूलतें मिलती हैं, कानून बन गए। तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान कोई ना कोई प्लाट तो निकल ही सकता था, लेकिन प्लाट तो नहीं निकला हजरत उमर का, कर्जा जरूर निकला। और पुत्र को बुला के 81 दिनार का कर्जा है, मेरे करीबियों से बात करना अगर उनसे हो सका तो ठीक, वरना उस्मान गनी से बात कर लेना, मौला अली से कर लेना, मेरे दोस्तों से कर लेना। लेकिन पता है हजरत उमर ने प्लाट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उनका नजरिया था। नजरिया क्या था? हुजूर मेराज से वापस आए तो फरमाया उमर मैं जन्नत में तेरा मकान देख आया हूं। उनको पता था ना मेरा तैयार है। आपने कभी देखा है कि बंदा सऊदी अरब रहे 35 साल भी तो वहां वो मकान बनाए? नहीं, वो कहता मेरा पाकिस्तान में बनेगा मकान। हजरत उमर को पता था मेरा बना हुआ है, और हुजूर ने फरमाया उमर तेरा महल इतना शानदार था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, मेरा दिल करता था जाके अंदर से देखूं। फिर मैंने सोचा कि उमर गजूर है, कहेगा पहले खुद ही कानून बनाया है कि किसी के घर बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए, और तशरीफ भी ले गए तो मैं नहीं गया, वरना दिल चाहता था अंदर से देखूं। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे हुजूर मुझे मेरी मां रोए, मैं कोई आप पर गैरत करता, ये जो कुछ है आपके कदमों की बरकत ही है। थोड़े से ना नजरियाती हो जाए, थोड़े से नजरियाती। हमारे यहां ना अब गरीब आदमी भी सोच समझ के यारी लगाता है, गरीब से वो भी नहीं लगाता, उसको भी कोई अमीर बंदे चाहिए दोस्ती लगाने को। आप नजरियाती हो जाएंगे ना, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं कि यहां तुमने दुनिया में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहना, तुम्हारे मकानात आगे बने हुए हैं, उसके लिए तैयार। हजरत शाह फरीदुद्दीन साहब अत्तार, सिर्फ वो सूफी नहीं, वो सूफिया का तारुफ कराने वाले, उनकी तज़किरतुल औलिया हमें सूफिया के दरवाजों तक ले जाती है। शाह फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं मैं तौबा करने से पहले बहुत बड़ा अत्तार था, इत्र का कारोबार करता था। इत्र का कारोबार बड़ा महंगा कारोबार है, एक तो वो है ना जो गरीब लोग खुशबू लगाते हैं, और एक बड़ा ऊंचा चला जाता है, ये बाकायदा खर्चा है, ये बकायदा खर्चा है। अरब शरीफ में अल्लाह ताला हम सब को मौका अता फरमाए तो जहां सुनार की दुकान होती है ना उसके साथ खुशबू वाली दुकान होती, यानी जितना किराया वो देता है उतना ये देता है, इतना महंगा काम है। फरमाते हैं बड़ी महंगी महंगी बोतलें खुशबू की मैंने सजाई हुई थी, और बड़ा बेहतरीन मैं भी ऑफिस बना के टेबल बना के सजा के बैठा करता था, और मेरी भी एक दुनिया थी, माल आ रहा है जा रहा है और जनाब पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, एक पूरी कायनात थी, दुनिया थी, चल रहा था निजाम। अचानक अल्लाह को मंजूर हुआ कि मेरा रुजू रब की तरफ हो। वो जब ये बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने मेहनत की तो मैंने फलां किया, नहीं नहीं, मेहनत बड़ी थोड़ी सी होती है, रब खुद ही सारे असबाब पैदा करता है।
मेरी तरह के बहुत सारे लोग हैं वो कहानियां सुनाएं कि हमने मेहनत की तो उनकी अपनी वर्दी है, वरना ये तो उनका कर्म है कि रोक उनका इधर है। कर्म से ज्यादा कुछ नहीं, मेहनतों से काम चलता तो बड़े बड़े मेहनत करने वाले लोग, ये तो खुदा का फजल है, वो इंतखाब कर लेता है। और किसी वक्त ये इंतखाब बतौर आजमाइश भी होता है कि इस बंदे को कुछ इज्जत दे दी, अब ये कहाँ खड़ा होता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है। दोस्तों हजरत शाह फरीदुद्दीन फरमाते हैं, अल्लाह का इरादा कर्म हुआ कि मेरा रजू रब की तरफ हो, तो एक बुजुर्ग आ गए सौदा खरीदने, सौदा लेने के लिए बाजार गए हम, और हाथ उसके बिके जिसके खरीदार गए हम। वो सौदा लेने के लिए आ गए, उन्होंने ना दो चार पांच बोतलें देखी खुशबू की, तो मैं एक अच्छा सेलमैन था, बिजनेसमैन था, मैंने कहा बाबा जी को खास चीज चाहिए, मैंने कहा बाबा को खास चीज चाहिए, तो बाबा जी कहने लगे नहीं, तो कहा बेटे बाबा जी क्या देख रहे हैं, मेरे पास और भी सामान है, दिखाता हूँ आप बताएं। तो बुजुर्ग फरमाने लगे पुत्र मैं तो ये देख रहा हूँ कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। मैंने कहा जी उसकी क्या वजह है जी, कहने लगे पुत्र तूने माल ही बड़ा जमा किया हुआ है, मरने लगेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी ये वाली याद आएगी, कभी वो वाली, सादा ना कर ले, कभी लाहौर वाला प्लाट, कभी इस्लामाबाद वाला, कभी कराची वाला, कभी कोई, कभी कभी वो हबीब बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी यूबी, तो तू कैसे मरेगा इतना कुछ छोड़ के। जितनी बंदा मेहनत करे, इतनी सहूलियात जमा करे, ड्राइंग रूम में फिर मर जाए। इसीलिए तो मेरे भाई लोगों का मस्जिद में दिल नहीं लगता, उन्होंने अपने हुजरे में इतना कुछ जमा कर लिया है घर के अंदर कि वो कैसे छोड़ के जाएं, वो तो भागते हैं दोबारा, दौड़ते हैं घरों के अंदर। फरमाते हैं तू नहीं मरेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये इतनी चीजें छोड़ के कैसे मरेगा। तो कहते मैं दुनियादार था, मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी। तो कहते कहने लगे पुत्र इधर आ दिखाऊं। मैं करीब गया, बाबा जी फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह प्रवास कर गई, अरश फरश ते बांगा मिलिया, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा नहीं मरना, ते गौर पिया कोई और, ते नाले बारस शाह कदों मर दे, जिन्हां कीतियां नेक कमाईया ने वो कदों मर दे। कहने लगे इस तरह मर जाएंगे। देखे ना गरीब 500 साल पहले अमीरों से जन्नत में चले जाएंगे, 500 साल, जहां 1000 साल का दिन है वहां 500 साल पहले। हजरत बिलाल जैसे लोग, अल्लाह अकबर, ये क़यादत करेंगे और सबसे आगे आगे जन्नत में। ओ भाइयों नजरियाती बने, हमारे बुजुर्गों ने हमें अल्लाह से जोड़ा है, जुड़ जाएं रब रसूल से। ये ना इतना ज्यादा उलझाओ दुनियादारी की सियासतें, चक्कर, कहानियां, स्टोरियां, आने जाने, मामला इतना नहीं। जितना दुनिया को मनाने के लिए निकलते हो ना, उतना 20 मिनट कभी मुसल्ले पे बैठो ना, तो रब तो राजी हो जाए तो लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दिया करता है। अल्लाह राजी हो जाए, अपनी तबीयत नजरियाती बनाए, सोचे नजरियाती, ज़ेहन बनाए कि जो मेरे नसीब का है वो कहीं और नहीं जाएगा, वो मेरे घर आएगा, कुछ छीन के ले जा सकता। ज़ेहन बनाए कि हमने सारा कुछ यही नहीं करना, हमारे लिए हमारे रब ने जन्नत में बड़े बड़े मकानात तैयार किए, बड़े बड़े। और हुजूर ने पता क्या फरमा, पंजाबी जाके कहता तू कभी सोचा भी नहीं होगा, कहते हैं ना तू सोचा भी, हुजूर क्या फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम है, फरमाया रब ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो नेमतें तैयार की ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना तुम्हारे दिल पर कभी ख्याल ही गुजरा होगा, रब वो शाने तुम्हें जन्नत में अता करेगा। मन चाही मुरादे, आखिरी बात सुने, किसी भी बुजुर्ग के जब आप उर्स पे आते हैं ना, कोई भी बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले हैं, तो आपको एक चीज कामन नजर आएगी सब बुजुर्गों में मुश्तरका, तमाम बुजुर्गान दीन में जितने भी अल्लाह के कामिल बुजुर्ग हुए तमाम में, कि वो ना अल्लाह से जुड़े रहे, अल्लाह से। आपको बड़ा कम ऐसा मिलेगा कि किसी बुजुर्ग ने कोई दुनियावी लिहाज से, दुनियादारी के लिहाज से लोगों को, देखे ना हमारे यहाँ लोग नारा लगाते हैं, ये नारा बुरा नहीं कि मैं सड़कें ठीक करा दूंगा, मैं यहाँ साफ पानी का बंदोबस्त करा दूंगा, यूनिवर्सिटी कायम कराऊंगा, ये अच्छी बातें हैं, ये बेहतरीन काम है, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन बुजुर्गाने दीन जो नजरिया देते थे ना, वो पता क्या था, वो सड़कें तमीर कराने से ज्यादा तवज्जो करते थे इंसानों के तमीर कराने।
आप बता सकते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कब नारा लगाया था कि मक्के में इतनी यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, ये फलाना फलाना रोड फलानी फलानी जगह मिला देंगे, ये नारा लगाया हुजूर ने? हुजूर ने तो नारा लगाया था कि मैं ना मकारमे अखलाक की तकमील करने के लिए आया हूं, आला तरीन अखलाक, आला तरीन। अगर अखलाक ना बुलंद हो तो लोग मास्टर की डिग्री लेके भी आ जाएं तो फिर भी खुद गर्ज होके निकल, अखलाक की तरबियत ना हो। तो हमने देखा है कि लोग, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, किसान का बेटा डॉक्टर बन जाता है लेकिन फिर भी वो सोचता पता क्या है कि मैं पैसे दे के बनाऊं, वो फिर भी किसी गरीब की दादरसी को तैयार नहीं होता, वो कहता है 2000 की पर्ची काटोगे तो फिर मेरे पास आओगे, वो 10 मरीज भी मुफ्त चेक नहीं करता इल्ला माशाल्लाह, क्योंकि नजरियाती नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अखलाक की बुलंदी की बात की, हमारे सूफिया अखलाक की बुलंदी की बात करते, अखलाक की, किरदार की। मैंने बात खत्म करनी है, उनका ना एक जौक था, वो रब के बंदे समझ के लोगों से प्यार करते और उनका बड़ा दिल करता कि ये बंदा अल्लाह वाला। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखते ना नौजवान को तो रो पड़ते, लोग कहते हुजूर क्यों रोए, फरमाया मेरा दिल करता है ये कलमा पढ़ जाए, कहते या अल्लाह इसे तौफीक दे दे, इतना सोना बना के दोज़ख में डाले, इसे तौफीक दे दे ये मुसलमान हो जाए, लोगों की अखलाकी ताकि वो लोग ना बच जाए जहन्नम से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल उस तरह है जिस तरह एक शख्स ने आग जलाई थी तो पतंगे उसमें गिरते थे, तो वो उनको रोकता था कि ना जाओ गिर जाओगे, फरमाया मैं भी तुम्हें रोकता हूँ कि ये काम ना करो जहन्नम में चले जाओगे। अखलाकी बुलंदी हमारे सूफिया का मेन काम था, वो लोगों की किरदार बुलंद करना चाहते थे, उनकी सूफिया। जब आप लफ्ज बोलते हैं ना सूफिया तो माना होता है मीठा बोलने वाले, माफ करने वाले, प्यार करने वाले। दरवेश बैठे थे तो खानकाह में एक साहब आ गए, उन्होंने आके रोटी मांगी तो जो लंगर पे मौजूद लोग थे, हम अपनी जुबान में लांगरी कहते हैं, उन्होंने कहा हजरत ये नमाज पढ़ने आता नहीं, इसी इलाके का है, रोटी खाने आ जाता है, नमाज पढ़ने आता कोई नहीं। हालांकि नमाज की कितना जरूरी काम है नमाज, लेकिन रब के बंदे ने जो जवाब दिया वो बड़ा समझने वाला है, वो कहने लगे ओ चलो दे दो रोटी, अगर अल्लाह बेनमाजी को दे देता है तो तुम्हें क्या मसला है, अगर रब बेनमाजी को रोटी देता है तो चलो तुम भी। वो बुजुर्गों की जुबान से ये लफ्ज निकले तो रोटी खाने और मांगने वाला रो पड़ा, कहने लगा हुजूर माफ कर दे, आज के बाद रोटी खाने नहीं आऊंगा, मैं खानकाह पे नमाज पढ़ने भी आया करूंगा। आपकी अखलाकी बुलंदियां जब उरूज पे होंगी तो फिर ना हमें पीरों की करामत नहीं सुनानी पड़ेगी, पीरों की करामत नहीं सुनानी पड़ेगी घर जाके। अगर आपका रवैया ठीक होगा ना बीवी के साथ, बच्चों के साथ, भाइयों के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपके पड़ोसी की अम्मा भी कहेगी पुत्र इन्हू भी उठे ले जाए, इन्हें भी मुरीद करा लिया। लेकिन अगर आप घर जाके बीवी को गाली दें, माशाल्लाह बुरी बात करें, तो फौरन कहेगी ऐ दस है तेनू पीरा, ऐ सबक पढ़ना है उस्तादा को। तो आपका अमल ही तबलीग है, वो आप मुस्बत करा लें अपने मशायख के हक में, ये मनफी करा लें। अखलाकी बुलंदी ही बुनियादी काम है, अल्लाह के हुजूर दुआ है मालिक सास्ताने को आबाद फरमाए। सुने जी सुने सुने, महफल जारी है, मैंने आते ही कहा था कि जो बंदा भी अल्लाह रसूल की बात करे वो कीमती होता है, नजरियाती होना चाहिए, अब हमें इन चीजों से निकलना चाहिए। दीन की बात सुने, जो भी सही अकीदा बंदा बात कर रहा है।